शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हो रही है, इसमें 25 पार्टियों के नेता जो है वो शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 नए दलों को न्योता दिया है। ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन हिमाचल में हुई भारी बारिश के चलते जगह को बदल दिया गया। विपक्षी एकता बैठक में पहली बार सोनिया गांधी शामिल होंगी। मीटिंग से पहले आज विपक्षी नेताओं के लिए डिनर होस्ट करेंगी। घुटने में चोट के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल नहीं हो पाएंगी, हालांकि वो कल की बैठक में मौजूद रहेंगी। वहीं शरद पवार भी आज बैठक में शामिल नहीं हो रहे। शरद पवार और सुप्रिया सुले 18 जुलाई की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक बैठक में दूरी बनाकर रखे। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहां से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मेरे से मैं एक ही काफी हूं बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या? यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, दो टुकड़े हुए थे, तीन टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफ़ी महत्व का नहीं। संदेश स्पष्ट है, संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग, छोटे उद्योग हों, नौजवान हों, गृहिणियाँ हों, महिलाएँ हों, चीन की समस्या हो, जो बॉर्डर पे जो स्थिति है वो देखिए आप, GST से परेशान व्यापारी हो, उस तमाम लोगों को ये संदेश हम देना चाह रहे हैं कि हम आपका मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करेंगे। हमारी नई ब्रांड है एक राजनीति की, जो संविधान की रक्षा के लिए आपकी सेवा में है।